दोस्तों, क्या आप जानते हैं गांधी जी का जन्म कैसे हुआ? गांधी जी मुस्लिम समर्थक क्यों थे? ये दोनों प्रश्न गंभीर और स्वाभाविक हैं। गांधी जी का मुस्लिम झुकाव अतीत में कई बार सामने आया है और यह बहुत स्पष्ट है। इस तरह के झुकाव के कई उदाहरण सामने आए हैं। उसके क्या कारण हो सकते हैं? रो के एस नारायणाचार्य ने अपनी पुस्तक में कुछ संकेत दिए हैं। हम सभी जानते हैं कि नेहरू और इंदिरा गांधी भी मुस्लिम समुदाय से ताल्लुक रखते थे, लेकिन गांधी जी के जाति मूल प्रस्ताव के बारे में लोगों को कम जानकारी है। नारायणाचार्य उस तरह के व्यक्ति नहीं हैं, जो अपराध बोध से या मनोरंजन के लिए किताबें लिखा करते हैं। उन्हें किसी राजनीतिक लाभ का अंदाजा नहीं था, इसलिए हम उनके मुद्दे को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। आइए एक नजर डालते हैं नारायणाचार्य के व्यक्तिगत विचारों पर। मोहनदास गांधी अर्थात महात्मा गांधी करमचंद गांधी की चौथी पत्नी के पुत्र थे। पुतली बाई मूल रूप से प्रणामी संप्रदाय की थी। इस प्रणामी संप्रदाय में मुस्लिम और हिंदू दोनों धर्मों के तत्व शामिल है। यह हिंदू के भेष में एक इस्लामी संस्था है। भारतीय लेखक घोष की पुस्तक द कुरान एंड द काफिर में भी गांधी की उत्पत्ति का उल्लेख है। गांधी जी के पिता करमचंद गांधी एक मुस्लिम जमींदार के अधीन काम करते थे। एक बार उन्होंने अपने जमींदार के घर से पैसे चुराए और भाग गए। फिर मुस्लिम जमींदार करमचंद गांधी की चौथी पत्नी को अपने घर ले गया और उसे अपनी पत्नी बना लिया। करमचंद गांधी 3 साल तक छिपे रहे, तभी मोहनदास अर्थात गांधी जी का जन्म हुआ। गांधी जी गुजराती मुसलमानों के बीच पैदा हुए और पले बढ़े। कॉलेज लंदन लॉ कॉलेज तक उनकी स्कूली शिक्षा का सारा खर्च उनके मुस्लिम माता पिता ने उठाया। दक्षिण अफ्रीका में वकालत करने भेजने वाले भी मुसलमान और वकालत फर्म भी मुसलमान। लंदन में गांधी जी अंजुमन इस्लामिया संगठन के भागीदार थे, जो आगे चलकर मुस्लिम लीग बना। इसलिए यह नोट करना आश्चर्यजनक नहीं है कि गांधी जी का मुस्लिम समर्थक झुकाव था। गांधी जी का अंतिम कथन था, भले ही हिंदुओं को मुसलमानों द्वारा मार दिया जाए, लेकिन चुप रहें, उनसे नाराज न हो, हमें मौत से नहीं डरना चाहिए, आइए हम एक वीरतापूर्ण मौत मरे। तो आप लोग सोच सकते हैं, इस कथन का क्या मतलब है? हम उन लोगों को क्या कहें, जो चाहते हैं कि हम हिंदू इस तरह के रुख को बर्दाश्त करें? स्वतंत्रता संग्राम के किसी भी बिंदु पर गांधी जी ने हिंदू समर्थक रुख नहीं अपनाया, वह मुसलमानों के पक्ष में बोलते गए। इतना ही नहीं, जब जब हिंदुओं को मारा गया, उन्होंने कभी उसका विरोध नहीं किया। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या इसका एक अच्छा उदाहरण है। गांधी जी ने हत्या के लिए राशिद की निंदा नहीं की, इसके बजाय उन्होंने हिंदुओं को उपदेश दिया। इसके बाद नेहरू ने राशिद की वकालत करने वाली आसिफा अली को अमेरिका में भारत का राजदूत बनाया। इसने इन सभी रिश्तों को परिभाषित किया। क्या गांधी जी के सभी रक्षकों को इन सवालों का जवाब नहीं देना चाहिए? गांधी ने भगत सिंह और अन्य देशभक्तों को फांसी पर लटकाए जाने पर भी यही रुख अपनाया। गांधी जी ने उन्हें फांसी न देने की याचिका पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया। वे क्यों सोचते थे कि अंग्रेज इन भारतीयों से अधिक महत्वपूर्ण है? यह शंका स्वाभाविक है, क्योंकि गांधी जी का यह रुख हिंदुओं के खिलाफ हो रहा था। हमें ध्यान देना चाहिए कि एनी बेसेंट ने स्वयं इसकी निंदा की थी। गांधी जी के बारे में माउंटबेटन एक और कहते हैं कि वे व्यवसायिक या व्यवसायी नहीं थे। पूरा भारत जिन्ना साहेब को सौंपने की उनकी शरारतपूर्ण योजना को देखें। गांधी जी ने जिन्ना से कहा था, अपने आप को एक अखंड भारत का प्रधानमंत्री बनाओ, लेकिन नेहरू को यह पसंद नहीं आया। आजादी तक गांधी के शिष्य रहे नेहरू को अब गांधी जी की जरूरत नहीं रही। कांग्रेस संगठन का काम खत्म हो गया था।
इसलिए गांधी चाहते थे कि कांग्रेस को भंग कर दिया जाए, लेकिन नेहरू इसे भंग करने के लिए गांधी से असहमत थे। बचपन में हमें सिखाया गया था कि गांधी के पिता काठियावाड़ रियासत के दीवान थे। अब इन सब झूठी बातों से पर्दा उठना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।